एक्टिंग की बात आती है तो टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्रियां ही नहीं बाजी मारती, बल्कि टीवी के हैंडसम और स्टार और मल्टी टैलेंटेड एक्टर्स भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर कर दर्शकों को हैरान कर देते हैं। जहां ये कभी अपने अपने सीरियल्स में कभी बेस्ट हस्बैंड, केयरिंग ब्रदर के रूप में दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने कभी एक अच्छे पिता का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में कुछ अभिनेता ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने सीरियल्स में पिता का किरदार निभाया, मगर पिता के किरदार को निभाने के लिए इनकी उम्र काफी ज्यादा कम थी। दर्शक इन्हें छोटे से बड़े बच्चों के फादर के रूप में देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री के उन अभिनेताओं से रूबरू करवाने वाले हैं जो उन्होंने बहुत ही ज्यादा छोटी उम्र में, यानी कि बहुत ही कम उम्र में, टीवी सीरियल्स में पिता का किरदार निभाकर दर्शकों के होश उड़ा दिए। इन अभिनेताओं के पिता के किरदार को दर्शकों ने भी काफी पसंद किया था। तो चलिए मिल लेते हैं कम उम्र में पिता का किरदार निभाने वाले उन सभी पांच अभिनेताओं से। नंबर एक, विशाल सिंह। शो साथ निभाना साथिया में एक्टर विशाल सिंह दो छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चे तोलू मोलू के क्यूट फादर बनकर कैरेक्टर प्ले किया था। जिस वक्त ये फादर की भूमिका निभा रहे थे, उस वक्त ये मुश्किल से ही 27 साल के रहे होंगे। इतनी कम उम्र में 8 साल के बच्चों के पिता बनना इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर फिर भी इनके बेस्ट पिता के एक्टिंग को देखकर दर्शक इनके दीवाने हो गए थे। नंबर दो, नंदीश संधू। जी हाँ, सिर्फ 25 साल की उम्र में एक्टर नंदीश संधू ने उत्तरण सीरियल में अपने बच्चों के पिता का किरदार निभाया, जिसे इन्होंने बहुत ही समझदारी और जिम्मेदारी के साथ छोटे पर्दे पर पेश किया। इनके जैसा फादर देखकर लोग असल जिंदगी में अपने बच्चों के लिए ऐसे ही पापा बनने की प्रेरणा ले रहे थे। हालांकि भले ही पर्सनल लाइफ में किसी के फादर न बने हों, लेकिन छोटे पर्दे पर इन्होंने अच्छे पेरेंटिंग का कैरेक्टर अदा किया। नंबर तीन, धीरज धूपर। भले ही टीवी जगत के हैंडसम और मल्टी टैलेंटेड एक्टर धीरज धूपर आज 34 साल की उम्र में भी एक बच्चे के पिता न बन पाए हों, लेकिन ये अपने 7 साल पुराने सीरियल ससुराल सिमर का में तीन बच्चों के पिता बने थे, जो दिखने में इन्हीं की तरह काफी बड़े हो गए थे। बस 27 साल की उम्र में इतने बड़े बच्चों के फादर का एक्ट प्ले करना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क रहा था, लेकिन ये काबिल एक्टर हैं और साथ ही इन्होंने उम्र दराज पिता का किरदार बड़ी ही आसानी तरीके से, स्टाइलिश तरीके से इस शो में निपार्थ समथान। दोस्तों, दर्शकों का मुंह तो तब खुला का खुला रह गया था जब टीवी के मोस्ट हैंडसम और चार्मिंग एक्टर पार्थ समथान ने अपने फर्स्ट लीड शो कसौटी जिंदगी के सीजन 2 में एक 8 साल की बेटी के पिता का रोल निभाया था, जिसमें इनकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा चार्मिंग थी। साथ ही साथ ये शो में अपनी बेटी स्नेहा बसु के लापरवाह पिता के रूप में दिखाई दिए थे, जिस बात पर इनके थोड़े बहुत फैंस नाराज तो हुए, लेकिन साथ ही इन्होंने सिर्फ 26 साल की उम्र में पार्थ समथान को इतने बड़े बच्चे के पिता का किरदार निभाने के लिए बहुत सारी बधाइयां भी दी थी। नंबर पांच, मोहसिन खान। दोस्तों, स्टार प्लस का फेमस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है तो आप अब भी देख ही रहे होंगे, जिसमें मोहसिन खान ने सिर्फ और सिर्फ 27 साल की उम्र में अपने ऑन स्क्रीन बेटे कायरव के रिस्पॉन्सिबल फादर का कैरेक्टर निभाया है, और अब तो इनकी प्यारी सी बेटी भी हो गई है, जहां पर ये दोनों बच्चों के प्यारे प्यारे और रिस्पॉन्सिबल फादर की भूमिका पर्दे पर बखूबी पेश करते नजर आ रही है, जिससे की कम उम्र में पिता के रूप में मोहसिन के चाहने वालों को इनके पिता वाला अवतार काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, आपको यंग फादर के रूप में कौन सा एक्टर बेस्ट पिता के किरदार में नजर आए, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसे और दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।